हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टू कलर का बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्ट्रेचेबल सा डिज़ाइन पैटर्न है। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, इसे बच्चों के स्वेटर में, जेंट्स स्वेटर में, लेडी स्वेटर में, किसी भी ऑल प्रोजेक्ट में आप इसे अप्लाई कीजिए। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, काफ़ी स्ट्रेचेबल और काफ़ी पफी डिज़ाइन है। तो चलिए डिज़ाइन पैटर्न बनाते हैं, बहुत ही ईजी है। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको जो है, देखिए यहाँ पर टू के मल्टीपल फंदे लेने हैं, टू टू करके ऐसे फंदे आपको ले लेने हैं। तो यहाँ पर हमने टोटल 16 फंदे लिए हुए हैं फ्रेंड्स, और ये डिज़ाइन जो है बैक साइड से स्टार्ट होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन की घंटी उसे प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, ये रो वन है और राइट साइड है, लेकिन ये बेसिक रो है, फर्स्ट रो। अगर फंदे वगैरह बढ़ाने हो ना तो आप इसी सिलाई में बढ़ा सकते हैं, पहली सिलाई है डिज़ाइन पैटर्न की। तो यहाँ पर देखिए हम फर्स्ट फंदा स्लिप करते हैं, ऑप्शनली है, आप चाहें तो बुनाई भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने देखिए फर्स्ट फंदा हमने स्लिप कर लिया है, और ये पूरी सिलाई आपको सीधी बुननी है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन की घंटी है उसे प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है, वीडियो अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए, ज़रूरी नहीं है, जब आपको डिज़ाइन अच्छी लगी ना तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा कि आपको हमारी डिज़ाइन कैसी लगी। तो देखिए, हमने ये सीधी सिलाई बेसिक रो हमने बना ली है, अब ये हमारी दूसरी सिलाई है, सेकेंड रो है। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, फर्स्ट फंदा स्लिप करके, अब ये हमारी डिजाइन पैटर्न की पहली सिलाई है, क्योंकि उल्टे साइड से नहीं ये डिजाइन पैटर्न स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए हम धागे को पीछे ले जाएंगे, फर्स्ट फंदा हम स्लिप कर लिए हैं, और इसके बाद पूरी सिलाई आपको ऐसे सीधा बुना, देखिए इस तरीके से आपको सीधा बुनाई करना है। इस डिजाइन को अगर स्वेटर बना रहे हो ना आप, तो जैसे फंदे आपको 15 लेने हैं तो आप 10 ही फंदे लीजिएगा, क्योंकि ये डिजाइन फैलता बहुत है और पफी जैसे होता है, और इसमें जो है ना स्ट्रेचेबल होता है। तो इस डिजाइन को आप जो है फंदे आप थोड़ा कम ही लेंगे तो आपका डिजाइन अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये दूसरी सिलाई है, इसको हम सीधा बुनते हुए इस तरीके से कंप्लीट कर देंगे, और धागा अपनी साइड लाएंगे, और देखिए साइड का एड स्टिच है, इसको उल्टा बुन लेंगे। फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 17% आप लोग बिना नॉट सब्सक्राइबर लोग देखते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यारी प्यारी डिजाइन हम डेली लेकर आते रहते हैं। तो देखिए हमारी जो है डिजाइन पैटर्न की सेकेंड रो है। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना कि यहाँ पर हम ये सेकेंड का कलर अपना यहाँ पर नॉट लगा लेंगे। देखिए कलर कॉम्बिनेशन आप ऐसा लीजिएगा, जैसे एक हल्का हो एक डार्क हो, तो इससे क्या होता है ना कि एक दूसरे में ये कलर खिल के आता है। या तो अगर आप जैसे ले रहे हैं रेड ले रहे हैं तो येलो ले लीजिए, वाइट ले लीजिए, ऐसे करके एक कलर लेंगे कॉम्बिनेशन तो बहुत ही प्यारा आएगा। जैसे वाइट है तो ब्लैक ले लीजिए, ग्रीन ले लीजिए, आप रेड ले लीजिए, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें कलर के, और सारे कलर में ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छी बनकर आएगी। तो ये हमारी दूसरी सिलाई है फ्रेंड्स। तो देखिए हम फर्स्ट फंदा बुन लेते हैं, क्योंकि कलर जब हम चेंज करते हैं ना तो ये फंदा बुनाई कर लेते हैं। इसके बाद ये दूसरा फंदा हम बुनाई करेंगे, सेकेंड फंदा हमने बुनाई कर लिया। अब जो ये फंदा है तो देखिए आपको यहाँ से नहीं बुनाई करना है, इसके नीचे जो है ना ये देखिए होल है ना, आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए ये होल है ना, इस होल में यहाँ से ऐसे नीडल्स को डालेंगे और सेकेंड फंदे को बुन लेंगे। अब यही दो फंदे आपको बार बार दोहराने हैं। देखिए एक फंदा आप इस तरीके से बुनाई करेंगे, और दूसरे फंदे को आप जो ये नीचे होल है ना यहाँ से आपको नीडल्स को डालना है और बुन लेना है। अब देखिए वन फंदा सीधा बुनेंगे, सेकेंड फंदा हम ये नीचे होल से बुनाई करेंगे। फ्रेंड्स, ये चार सिलाइयों की डिजाइन है। तो देखिए हमारा ये फर्स्ट ये वन फंदा बुनेंगे, और सेकंड फंदा हम नीचे होल से बुनेंगे, वन फंदा बुनेंगे नीचे होल से, सेकंड फंदा बुनेंगे। देखिए सेकंड फंदा बुन लिया,
वन फंदा इस तरीके से बुनेंगे, सेकंड फंदा नीचे होल से बुनेंगे, वन फंदा इस तरीके बुन लेंगे और सेकंड फंदा होल से बुनेंगे और वन साइड का एड स्टिच है इसको सीधा बुनेंगे। तो हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। अब देखिए ये थर्ड रो है और बैक साइड है डिजाइन पैटर्न की, ये तीसरी सिलाई है और उल्टी साइड है। तो देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट फंदा स्लिप कर लेते हैं, अब धागा पीछे ले जाएंगे। अब इस फंदे को देखिए जो हमने नीचे से होल से बुना था ना, तो वहाँ क्या करेंगे, वहाँ एक लूप आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो लूप है ना, जो फंदा हमने बुना था उसका ये लूप है। इस लूप को लेंगे और इस फंदे को ऐसे देखिए, इस लूप को भी बुनाई करना है ठीक ना, टू का वन कर देना है, फिर इस फंदे को सिंपल बुनना है। ध्यान से देखिएगा, यही टू फंदे आपके दोहराने हैं। देखिए जो हमने नीचे लूप से बुने थे ना, तो ये देखिए लूप हमने ऐसे नीडल्स पे लेना है और इस फंदे को बुनाई कर लेना है। ध्यान से आप देखिएगा फ्रेंड्स, वैसे हम साथ में बता भी रहे हैं आपको। देखिए वन फंदा ये सिंपल बुनना है और ये देखिए इस लूप को लेना है और इसके साथ बुनाई कर लेना है ठीक ना, इस तरीके से। देखिए यहाँ पर वन फंदा ये सीधा बुनेंगे और ये लूप लेंगे और इस फंदे के साथ बुनाई करेंगे और देखिए ये नेक्स्ट फंदा सीधा बुन लेंगे। ये लूप आपको लेना है और ये बुनाई कर लेना है, फिर देखिए इस फंदे को बुन लेंगे सीधा, फिर ये लूप लेंगे, इस फंदे को बुन लेंगे, फिर ये नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे, लूप और ये फंदा, यहाँ टू का वन करेंगे, वन फंदा सीधा बुनेंगे और ये साइड का एड स्टिच है इसको उल्टा बुन लेते हैं। तो हमारी ये तीसरी सिलाई थर्ड रो कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। अब देखिए हमारी ये रो फोर है और राइट साइड है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम कलर को चेंज करेंगे, अब हमारा ये वाइट कलर आ गया देखिए यहाँ पर। तो हम फर्स्ट फंदा बुन लेते हैं, जब भी हम कलर चेंज करते हैं तो फंदा बुन लेते हैं। अब देखिए हमने उस बार इसके नीचे होल से बुना था ना, अब हम पहले फंदे के होल से, देखिए यहाँ होल दिख रहा है ना, यहाँ से हम इस फंदे को बुनेंगे। अब फंदा चेंज हो जाएगा, बुनाई सेम उसी तरीके करना है लेकिन फंदा इस बार ये हम इस तरीके से करेंगे और इसे हम सिंपल बुनेंगे। अब देखिए इसके होल से हम यहाँ नीचे बुनेंगे और ये सिंपल बुन लेंगे, इसके होल से नीचे हम ये बुनेंगे। ये ध्यान में रखिएगा, जो सेकेंड रो में आपने बुना था जिस फंदे को नीचे से, वो फोर रो में आपको नहीं बुनना है, दूसरे वाले फंदे को आपको बुनना है जो आपने सिंगल बुना था। देखिए इसे सिंगल बुनेंगे और इस फंदे को नीचे से बुनेंगे इस तरीके से, फिर देखिए इसे सिंगल बुनना है, इसको नीचे होल से बुनना है, इसे सिंगल बुनना है ऊपर से या नीचे, इसे होल से बुनना है, सिंगल बुनना ऊपर से और इसे नीचे होल से बुनना है। ये सिंगल बुनाई करेंगे और इस साइड का एड स्टिच है इसको भी सीधा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा ये डिजाइन पैटर्न का जो है ना, ये फोर रो कंप्लीट हो गया, लेकिन आपको ये एक सिलाई और हम रिपीट करके बता दे रहे हैं। देखिए फर्स्ट रो हम रिपीट कर रहे हैं, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे। अब देखिए ये फंदा हमने सिंगल बुना था ना, इसको सिंगल बुन लेंगे, लेकिन ये फंदा हमने ये ग्रीन कलर देखिए यहाँ से नीचे से इसको लेंगे और इस फंदे के साथ बुनाई करेंगे। फिर देखिए एक फंदा सिंगल, यहाँ लूप लेंगे, इसके साथ बुनाई करेंगे। फिर देखिए ये फंदा सिंगल है, इसको सिंगल बुनेंगे और जो लूप के साथ है इसे लूप के साथ बुन लेंगे। इस फंदे को सिंगल बुनेंगे और इस फंदे को लूप के साथ इस तरीके से बुनेंगे। देखिए इस फंदे को सिंगल बुनेंगे, ये लूप के साथ बुन लेंगे, सिंगल बुनेंगे, लूप के साथ बुनाई करेंगे, सिंगल बुनेंगे और ये लूप के साथ बुन लेंगे और ये साइड का एड स्टिच है इसको उल्टा बुनेंगे। तो फ्रेंड देखिए हमने ये फोर रो अब बुना है, लेकिन यही वन से लेके फोर रो आपको रिपीट करते जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स आपकी डिजाइन ना सेम इस तरीके से देखिए सीधी लाइन में बनकर आएगी। देखिए देखिए कितनी खूबसूरत और प्यारी डिजाइन लग रही है, देखिए ध्यान से। अब ये जब यही बनती जाएगी ना, ये डिजाइन इसी तरीके से आपका बनता जाएगा। देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत सा ये डिजाइन पैटर्न है, केवल वो ये फोर रो की डिजाइन है फ्रेंड। देखिए ये राइट साइड है और ये बैक साइड है और ध्यान से देखिए केवल 20 फंदे में इतना चौड़ा सा बना है, देख रहे हैं ना, ये केवल 20 फंदे का डिजाइन है फ्रेंड्स। और ये देखिए काफी पफी होता है, जैसे लगता है ना डबल हमने बुनाई किया हो
इस तरीके से ये डिजाइन पैटर्न बनकर आता है, काफी जैसे मोटा जैसा लगता है, और ये देखिए काफी स्ट्रेचेबल है और बहुत ही खूबसूरत बनकर आता है फ्रेंड्स। ये राइट साइड है और देखिए ये बैक साइड है, तो दोनों ही साइड से डिजाइन पैटर्न देखिए कितना खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स इसे आप जरूर बनाइएगा। अगर आपको डिजाइन अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हमेशा हम लेकर आते रहते हैं एक यूनिक और आसान सा डिजाइन पैटर्न, जिसे आप इजली बिगनर हो ना तो भी आप आसानी से बना सको। वैसे हम सभी के कमेंट का रिप्लाई करते हैं, अगर कहीं एक आध कमेंट ऐसे होते हैं जैसे तबीयत वबीयत नहीं ठीक है तो नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग नाराज नहीं होइएगा और इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप लोग भी हमारी एक फैमिली हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली मुझसे नाराज हो। और तो आप इसी तरीके से हमें हमारा साथ देते रहें, वीडियो देखते रहें, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जिससे हमें भी अच्छा लगे। आप लोग हमारे बहुत ही प्यारे खूबसूरत फैमिली हो, तो थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट डिजाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।